नमस्कार दोस्तों। दोस्तों भाग्य उदय कैसे होता है और इसके उपाय क्या क्या हैं? आज मैं इसी टॉपिक पर आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी ये जरूर सोचता है, उसके मन में ये बात जरूर आती है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना परिश्रम कर रहा हूँ, उसके अनुसार मुझे परिणाम नहीं मिल रहा है। व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है, भाग दौड़ करता है, अपने काम में मन लगाता है, लेकिन फिर भी तरक्की उसके जीवन से कोसों दूर रहती है। अनेक वर्षों तक ऐसे ही करता रहता है, फिर भी उसकी जिंदगी ठीक ठाक नहीं हो पाती। अगर ज्योतिष की दृष्टि से इसे देखें तो इसे कमजोर भाग्य होना कहा जाता है। दोस्तों वैदिक ज्योतिष में कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव कहलाता है। किसी भी व्यक्ति का भाग्य कैसा होगा ये उसकी कुंडली के नवम भाग में देखकर पता लगाया जा सकता है। नवम भाग से ये भी पता लगाया जा सकता है कि उसकी कितनी आयु में, किस वर्ष में उसका भाग्य उदय होगा। यदि नवम भाग में सूर्य की राशि सिंह है तो उसका भाग्य उदय 22 वर्ष में माना जाता है। चंद्र की राशि कर्क है तो उसका भाग्य उदय 24 वर्ष में होगा। मंगल की राशि मेष और वृश्चिक है तो 28वें वर्ष में उसका भाग्य उदय माना जाता है। बुध की राशि मिथुन और कन्या है तो 32वें वर्ष में उसकी तरक्की का योग माना जाता है। गुरु की राशि धनु और मीन है तो 16वें वर्ष में भाग्य उदय माना जाता है। और शुक्र की राशि वृषभ और तुला है तो 25वें वर्ष में या उसके विवाह के बाद उसका भाग्य उदय माना जाता है। और शनि की राशि मकर और कुंभ है तो 36वें वर्ष में भाग्य उदय होता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है। यदि 9वें भाग में राहु केतु का प्रभाव हो तो ये 42 से लेके 44 वर्ष में उस व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय करते हैं। अब भाग्य उदय करने के लिए क्या क्या उपाय हैं जो सरल हैं, जो आपके हाथ में है। दोस्तों अपने भाग्य की बाधा को कैसे दूर करें, सबसे पहले तो ये देखें कि आपकी कुंडली के नवम भाग में कौन सा ग्रह है। अब आपको करना यह है कि उस ग्रह की मजबूती और प्रसन्नता के उपाय अगर आप करते हैं तो आपके भाग्य उदय में जो भी बाधा है वो दूर हो जाएगी। यदि नवम भाग में शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह जैसे सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, और अशुभ ग्रह जैसे मंगल, शुक्र, शनि, राहु, केतु हैं, अगर शुभ ग्रह हैं तो उनका उपाय करें, उन्हें खुश करें। अगर अशुभ ग्रह हैं तो उनका उपाय बिल्कुल ना करें। इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर अशुभ ग्रह हो आपके नवम भाग में तो उसका उपाय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र इस वक्त आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको अपना भाग्य उदय करना है तो सुबह प्रातः काल नहा धोकर सूर्य की तरफ मुंह करके आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, आपको फायदा मिलता है। घर में बुजुर्गों के, माता पिता के, गुरुजनों के शरण स्पर्श करने से भाग्य उदय होता है। सबके दुख दर्द में मदद करने से, किसी के साथ बुरा ना करने से भी भाग्य उदय होता है। और कोशिश ये करें कि सूर्यास्त के बाद ना किसी से उधार लें और ना किसी को उधार दें। सप्ताह में एक बार अपने इष्ट के मंदिर में जरूर दर्शन करने के लिए जाएं। ये आपके भाग्य उदय करने में सहायक सिद्ध होता है। और शिव जी के अभिषेक रुष्ट अष्टाध्यायी करने से भाग्य की बाधाएं दूर होती हैं। ये ऐसे काम हैं जो आपके हाथ के हैं। अपना भाग्य उदय कीजिए और दुनिया में अच्छे आचरण के धनी बनिए। किसी के साथ कोई बुरा मत कीजिए, किसी गरीब को सताइए नहीं, किसी के साथ बुरा मत कीजिए। जो जो जीवन में अच्छे लोगों के गुण होते हैं उससे भी आपका भाग्य उदय होता है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।